टोनी स्टार्क यार, क्या एक कमाल का इन्वेंशन है तेरा। भाई मेरा इन्वेंशन नहीं है, मुझे खुद ये बकेट मिली है। लेकिन मजा आ रहा है ठंड में हाथ तापने में। क्या ही बढ़िया लावा की बकेट है, बिल्कुल सही कह रहा है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ ये किसकी। अरे पॉपर टोनी स्टार्क, ये कौन है? मेरी मदद करो बच्चों, मैं हूँ गॉड फादर टाइटन। गॉड फादर टाइटन टोनी स्टार्क, देख तो सही इसको एक बार। अबे क्या है, अबे देख वो कितना विशाल है। ओह माय गॉड, एक मिनट गाइस, लेकिन यहाँ पर गॉड फादर टाइटन यहाँ क्यों आया, मुझे ये समझ नहीं आ रही। अरे बच्चों मैं बर्बाद हो गया। अरे बाप रे फ्रैंकलिन, तो इसको विशाल बोल रहा है? अरे ये तो छोटा सा गॉडफादर टाइटन है, ये तो कुछ भी नहीं है। पहले तो गॉडफादर टाइटन बहुत बड़ा हुआ करता था। बिल्कुल सही कह रहा है टोनी स्टार्क बच्चे, तू मैं बहुत छोटा हो गया हूँ। लेकिन सर आपके साथ ऐसा हुआ क्या? मैं पहले फाइव हेडेड गॉडफादर टाइटन हुआ करता था और अब मैं छोटा सा गॉडफादर टाइटन रह गया। ऐसा क्या, लेकिन आपके साथ हुआ क्या? अगर तुम मेरी मदद करोगे मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। पहले मदद जब ही करेंगे जब आप बताएंगे ना परेशानी क्या है। ठीक है बच्चों बताता। एक समय की बात है जब मैं फाइव हेडेड गॉडफादर टाइटन हुआ करता था, मेरे अंदर गॉडफादर टाइटन की पावर समाया करती थी, मतलब एक लावा पावर और एक आइस पावर। ओ तो गाइस ये लावा की बकेट यहीं से आई है। बिल्कुल सही कहा, ये लावा की बकेट मेरी है मेरे बच्चों। मेरे पास दो लावा बकेट हुआ करती थी और साथ साथ में लावा बकेट ही नहीं, मेरे पास आइस क्रिस्टल भी हुआ करते थे। ये ऐसे क्रिस्टल पावर है जिसके इस्तेमाल से मैं दुनिया की बर्फ जमा सकता हूँ या फिर उसको गायब कर सकता हूँ। लेकिन सर आपके पास इतनी कमाल की पावर है, फिर आप कितने बड़े विशाल गॉड भी हैं फाइव हेडेड, आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आप इतने छोटे बन गए? मेरे दो बेटे हैं, एक है लावा गॉड और एक आइस गॉड। लावा गॉड हमेशा से बहुत ही ज्यादा लालची रहा है। पापा जी मैं आपकी पावर्स चुराने आया हूँ, ये लावा बकेट मुझे बिलोंग करती है। मेरे बेटे ने मेरी एक लावा बकेट चुरा ली, मैंने उससे तब भी कुछ नहीं कहा लेकिन वो माना नहीं, उसने दूसरी लावा बकेट भी चुराने की कोशिश की। ओ माय गॉड गाइस, इतना लालची बेटा। यहाँ पर देखिए गाइस, लावा गॉड ने ना अपने ही फादर की लावा बकेट चुराना शुरू कर दिया। चाहता तो वो खुद भी कुछ कर सकता था। लेकिन मेरे बच्चों जैसे उसने मेरी दूसरी बकेट चुराई, वो बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा होता चला गया और मेरे सामने मेरा बेटा बगावत करने लग गया। मैंने उससे बोला कि मेरी पावर्स वापस कर दे लेकिन वो माना नहीं। ऐसा क्या, लेकिन सर फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं जैसे ही उस पे हमला करता वो वहां से जा चुका था और मैं बस थ्री हेडेड रह गया था। तो इसका मतलब वो दो लावा बकेट जाने की वजह से अभी दो हेड चले गए। बिल्कुल, उसके बाद आया आइस गॉड मेरा बड़ा बेटा, मैंने उसको मारने की कोशिश की। पापा जी आप मुझे मार नहीं पाएंगे, मैं आपको मारूंगा। अरे मेरे बच्चे क्या कर रहा है ये, तो प्लीज मुझे छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगा पापा जी, मैं यहाँ पर आपके सारे क्रिस्टल चुराने आया हूँ। मेरे छोटे भाई ने आपकी पावर चुरा ली तो मैं भी यहाँ पर आपकी इन पावर्स को चुरा लूंगा और आपको बहुत छोटा कर दूंगा। ओह माय गॉड फ्रैंकलिन, देख रहा है इस आइस गॉड को कैसे इसने अपने फादर को धोखा दिया, जबकि इसको तो अपने छोटे भाई को समझाना चाहिए था। अरे हाँ यार टोनी स्टार्क, यहाँ पर गॉड फादर टाइटन के बेटों ने ही उसकी एक और पावर छीनी। लेकिन सर एक मिनट, आपकी तो अभी भी दो हेड रह गए इतने विशाल, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मेरा बच्चा जो कि आइस गॉड था वो माना नहीं, उसने मुझ पर हमला और ज्यादा किया और ज्यादा किया और मेरा संतुलन बिगाड़ दिया। उसके बाद वो बचे कुछ एक क्रिस्टल्स भी ले गया मेरे बच्चों। और वो बड़े पे बड़ा होता चला गया और अब वो दुनिया पर राज कर रहे हैं। तभी सोचे इतनी बेहद बुरी ठंड और गर्मी एक साथ कैसे पड़ती है। बिल्कुल, और मैं छोटा होकर धरती में समा गया और वो लोग इतने बड़े हो गए। मेरी बात सुनो, तुम्हें यहाँ पर मेरे टास्क पूरे करने होंगे। अगर तुमने टास्क पूरे किए तो मैं तुम्हें दुनिया के सबसे स्पेशल आइस एंड लावा गॉड के गॉडफादर टाइटन वाले सूट्स प्रोवाइड करूंगा। क्या मुझे गॉडफादर टाइटन के सूट प्रोवाइड होंगे? बिल्कुल बच्चे, जल्दी से इस पेपर को पढ़, प्लीज मेरी मदद कर दे। ओके गाइस, अब तो मैं गॉडफादर टाइटन की मदद करनी पड़ेगी, इनके साथ बहुत गलत हुआ है। ओके गाइस, टास्क टू कंप्लीट, स्टील गॉडफादर टाइटन स्पेशल लावा बकेट्स फ्रॉम लावा गॉड, और तीसरा लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। गाइस प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी। और गाइस साथ साथ में कमेंट में 80 गेमर ओपी लिखे है। अरे हां गाइस 80 गेमर ओपी भी जरूर लिखना, क्योंकि हमें यहां पर गॉडफादर टाइटन की मदद करनी है। अगर आप सभी भी मदद करना चाहते हैं गॉडफादर टाइटन की तो आप ऐसे कर सकते हैं। बिल्कुल गाइस, आप बस 80 गेमर ओपी लिखिए, वीडियो लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब, बाकी काम मैं और फ्रैंकलिन संभाल लेंगे। तो चलो गाइस जल्दी चलते हैं और जाकर उस लावा गॉड से तीन लावा की बकेट चुरा के लाते हैं। ओ माय गॉड फ्रैंकलिन, ये लावा गॉड तो बहुत बड़ा हो गया है। लेकिन टोनी स्टार्क इसके पास तो दो लावा बकेट थी, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया था। लेकिन ये लावा गॉड अगर दो बकेट्स हैं इसके पास लावा की, तो ये थ्री एडिट कैसे हो?
हो गया। क्या सच में इतनी रेडी हो गया? भाई मैं सच बोल रहा हूँ, देख ले इसको। ओह माय गॉड गाइस, टोनी स्टार्क इज राइट, यहाँ पर लावा गॉड थ्री हेडेड हो चुका है। यहाँ पर देखते हैं इसके पास कितनी बकेट है। अरे भाई इसकी बकेट तो पहले से ज्यादा स्पेशल हो गई है। भाई इसकी आग देख कितनी खतरनाक है फ्रैंकलिन। और देख दूसरी बकेट, और इसमें और ज्यादा खतरनाक आग है। तो इसका मतलब इसके पास दो बकेट है, एक इसका मेन हेड है। अगर इन बकेट्स को हम चुरा लें तो यहाँ पर हम गॉड फादर टाइटन की मदद कर सकते हैं। फ्रैंकलिन मेरे पास एक आइडिया है, तू जल्दी से एक काम कर, इसको डिस्ट्रैक्ट कर जिससे कि तुझे आसमान में जाके उछालेगा, मारेगा, और तू मौका देखते ही इसके ऊपर जाना। ओके मैं समझ गया। हे लावा गॉड बंदर, मुझे देख। कौन है जिसकी गुस्ताखी हुई मुझे बंदर बोलने की? मैंने बोला तुझे बंदर, अगर हिम्मत है तो मुझे मार के दिखा। अरे ये तो सच में मुझे ऊपर उठा रहा है। अब देख क्या होता है, मैं तुझे ऊपर उठा के अपने लावा में जला दूंगा। गाइस इसको तो पता ही नहीं है मैं इसकी बकेट चुरा के आया हूं। चल अब मैं तुझे अपनी लावा की बकेट में चलाता हूं। अरे कहीं सच में मुझे लावा की बकेट में ना फेंक दे टोनी स्टार्क, कहीं मरवा मत देना मेरे को। गाइस मुझे सही लैंडिंग करनी होगी, अगर मैं लावा की बकेट में गिरा तो मैं तो मरा। गाइस उम्मीद है मुझे कि आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, प्लीज लाइक कर दो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि गाइस आपके लाइक से यहां पर मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। ओके दोस्तों यहां पर मैं जल्दी से इस जाल को तोड़ता हूं। टूट जा, अबे टोनी स्टार्क तो टूटता ही नहीं है। टूटना टोनी स्टार्क, तू सुन भी रहा है? अरे हां फ्रैंकलिन मुझे आवाज आ रही है। गाइस फ्रैंकलिन तो ऊपर चला गया, अब मुझे भी ऊपर जाना चाहिए। अच्छा ऐसे जाएगा तू ऊपर? अरे नहीं 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 गाइस ये क्या हुआ? अरे इसने तो मुझे लावा से भरे हुए अर्थ के कोर में भेज दिया। हेल्प मी गॉड फादर टाइटन, फादर गॉड प्लीज मेरी मदद करो। ठीक है बच्चे ये ले। वाह गाइस फाइनली मुझे यार गॉड फादर टाइटन ने बचा लिया, और मेरे पास यहाँ पर कुछ पावर्स भी आ गए हैं। ये है मेरे स्पाइडरमैन का गैजेट, इसका इस्तेमाल करके मैं जल्दी से लावा गॉड की बॉडी पे चढ़ता हूँ। गाइस लिटरली मैं, अगर मेरे पास गॉड फादर टाइटन की पावर्स ना होती तो मैं यहाँ पे जल गया होगा अभी तक। ओके फ्रैंकलिन हम दोनों ही टॉप पर आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर यार इस जाल को कैसे तोड़ेंगे? आइडिया, हेल्प मी फादर गॉड, गॉड फादर टाइटन हमें कुछ ऐसा वेपन दीजिए जिससे कि हम इसे तोड़ पाए। अरे वाह हमारे पास तो सारी की सारी बढ़िया वेपन्स आ गए। हाँ यार टोनी स्टार्क मुझे भी यहाँ पे आरपीजी मिल गया। ओके दोस्तों मैंने तो इसको तोड़ दिया, अब मैं भी तोड़ता हूँ। हो गाइस फाइनली हमने यहाँ पर पूरी की पूरी लावा बकेट्स को चुरा लिया है। बिल्कुल है। नहीं ये क्या कर दिया, मेरी लावा बकेट्स चुरा ली। हाँ बिल्कुल चुरा ली तेरी लावा बकेट्स। अरे बाप रे जोर से लग गई। खैर कोई नहीं, चल फ्रैंकलिन अब जल्दी यहाँ से निकलते हैं इससे पहले कि ये हमारी बैंड बजाना स्टार्ट कर दे। अरे हाँ टोनी स्टार्क जल्दी चढ़ते हैं। ऑल राइट गाइस मैं और टोनी स्टार्क बैठ चुके हैं कार में, अब जल्दी से यहाँ से निकल। अरे भाई ये कौन आ गया? फ्रैंकलिन ये तो लावा गॉड है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मुझे छोटा सा कर दिया। अरे हमने इसकी जैसी पावर्स चुराई शायद ये छोटा हो गया होगा। अरे हाँ यार बिल्कुल सही कह रहा है तू, मैं पीछे आ रहा है वो हमारे, जल्दी पूरी स्पीड में निकल टोनी स्टार्क। बिल्कुल फ्रैंकलिन बिल्कुल 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 पूरी स्पीड में जा रहा हूं मैं, कम ऑन कम ऑन। फाइनली बच गए यार। बिल्कुल यार बाल बाल बच गए। गाइस अब एक काम करते हैं, इन लावा बकेट्स को गॉड फादर टाइटन को दे देते हैं। बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, जल्दी लाकर मुझे ये पावर्स दे दो। बिल्कुल यहां पर देखते हैं गाइस के लावा बकेट के इस्तेमाल से गॉड फादर टाइटन करने क्या वाले हैं। मैं इनसे अपनी पावर्स को रिस्टोर करूंगा और टू हेडेड बन जाऊंगा। अबे देख फ्रैंकलिन यहां पर गॉड फादर टाइटन अब सच में बड़े हो रहे हैं। अरे मैं तो पहले वाले गॉडफादर टाइटन को बड़ा बोल रहा था, ये तो कुछ ज्यादा ही विशाल है। गाइस अभी तो ये सोच रहा हूं जब ये टू हेडेड होंगे, व्हाट होंगे क्या गाइस, ये हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया मेरे बच्चों, तुमने यहां पहला टास्क पूरा कर लिया। क्या अभी और भी टास्क है क्या? बिल्कुल, लेकिन चिंता मत करो तुम्हें तुम्हारे गिफ्ट मिलते हैं। गिफ्ट मिलते हैं कहाँ? अबे फ्रैंकलिन मेरे पीछे क्या? अरे भाई ये तो गॉडफादर टाइटन का खतरनाक आयरमैन का सूट है, और ये गॉडफादर टाइटन का खतरनाक फ्रैंकलिन का सूट है। गाइस मैं तो कितना कमाल का लग रहा हूँ, तो चलो यहाँ पर जल्दी चलते हैं। बच्चे पहले टास्क तो पढ़ ले। अरे हाँ देखता हूँ गाइस, दूसरा टास्क क्या है? स्टील गॉडफादर टाइटन स्पेशल आइस क्रिस्टल फ्रॉम आइस गॉड। अरे हाँ अभी तो तीन आइस क्रिस्टल चुराने जो कि आइस गॉड के पास है। और लाइक सब्सक्राइब कमेंट गाइस आप जल्दी कर दो, नहीं किया है तो। बिल्कुल गाइस कमेंट में आयरन मैन ओपी जरूर लिखा, गाइस फ्रैंकलिन ओपी भी लिखना। तो चलो मैंने भी पहन लिया सूट, लेकिन हम आइस गॉड को ढूंढे कैसे? उसकी चिंता मत करो बच्चों, इस पोर्टल में जाओ तुम उसकी दुनिया में पहुंच गए होगे। हां पहुंच गए सर जी, लेकिन एक मिनट ये क्या, अबे फ्रैंकलिन यहां आते ही कैसे जम गए हम? इतनी बुरी ठंड है कि यहां जल चुके हैं। अरे कोई बचाओ। तुम मेरी दुनिया में क्या कर रहे हो? ओह नो गाइस यहां पर आइस गॉड कितना ज्यादा बड़ा है यार, गॉडफादर टाइटन तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। गाइस
बाप एक नंबर ही तो बेटा 10 नंबर ही। और गाइस देखिए यहाँ पर आइस क्रिस्टल भी है, यहाँ पर इसके 5 हेड है, 5 में से 3 हेड पर आइस क्रिस्टल है और यही इसके सबसे मेन हेड रहे होंगे जिसकी वजह से इसने प्रोटेक्ट कर रखे हैं इनको। इनको चुराने के लिए हमें गॉड फादर टाइटन की मदद चाहिए। हेल्प मी गॉड फादर टाइटन। अरे बिल्कुल हेल्प मी गॉड फादर टाइटन, हमारी मदद कर दीजिए। ठीक है बच्चों ये लो। अरे वाह क्या बात है गाइस, गॉड फादर टाइटन ने ऐसा बुरा लावा का ब्लास्ट किया जिसकी वजह से यहाँ पे गर्मी हो चुकी है और मैं और फ्रैंकलिन यहाँ पे बच चुके हैं। अरे हाँ भाई बाल बाल बच गए हम, लेकिन गाइस अब बिना इस खतरनाक आइस गॉड से हमें बदला लेना पड़ेगा। फ्रैंकलिन मेरे पास आइडिया है, सबसे पहले मैं जाता हूँ और जाकर मैं ऐसी हीट एनर्जी को यहाँ पर रिलीज करूंगा जिसके इस्तेमाल से ये आइस गॉड पिघलने लगेगा। नहीं ये क्या कर रहा है, अरे मैं पिघल रहा हूँ। देखा फ्रैंकलिन यहाँ पर इसकी सबसे बड़ी कमजोरी लावा है, इसलिए यहाँ पर हम ज्यादा से ज्यादा हीट प्रोड्यूस करके इन सारे के सारे आइस गॉड के हेड्स को पूरी तरह से दफना सकते हैं जमीन में। तो यहाँ पर मैंने एक आइस क्रिस्टल चुरा लिया है लेकिन बाकी के दौर चुराने लगे हैं। फ्रैंकलिन अब जल्दी जा भाई, अब तेरी मर्जी, तुझे जो करना है कर। अरे भाई समझ गया। अबे लेकिन भाई ये क्या हो गया, मेरी तो पावर सी गायब हो गई। गाइस देखिए टोनी स्टार्क ने कुछ ज्यादा ही एनर्जी रिलीज कर दी, उस वजह से वो उड़ भी नहीं पा रहा है। अबे आप फ्रैंकलिन कोई नहीं, मुझे टाइम लगेगा मेरी एनर्जी रिकवर करने में, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, आगे का सब कुछ तुझे करना पड़ेगा। गाइस अब यहाँ पे मेरा नंबर है, मुझे किसी भी हालत में इस 3 हेडेड खतरनाक आइस गॉड के 2 क्रिस्टल चुराने होंगे। इस बार गलती नहीं करूंगा मैं, रुक तुझे बताता हूँ। ये क्या कर दिया इसने, क्या कर दिया। हाँ ये मेरी इनविजिबल आइस फॉर्म है, हेल्प मी। ठीक है बच्चे मैं यहाँ पर अपने बेटे में आग लगा रहा हूँ। वाह गाइस यहाँ पर आइस गॉड में तो आग लग चुकी है। नहीं पिताजी ये क्या कर रहे हैं आप। ओके गाइस अब जितने इसमें आग बुझे उससे पहले जाके हमें उन दोनों आइस क्रिस्टल को चुराना पड़ेगा। ऑलराइट गाइस यहाँ पर देखिए ये पहला आइस क्रिस्टल है, अब जल्दी से इसको लेता हूँ। नहीं ये क्या, गाइस मैंने जैसे इसको चुराया यहाँ पर इसका एक हेड गायब हो गया, अभी जस्ट ये 1 हेडेड बचा है। अब जल्दी से दूसरे वाले इस खतरनाक वाले क्रिस्टल को भी चुराते हैं। ओके गाइस ये लास्ट क्रिस्टल और ये पे इसको जैसे ही मैं लूंगा यहाँ पर आइस गॉड बहुत छोटा हो जाएगा। फाइनली गाइस हमने दोनों क्रिस्टल चुरा लिए हैं और यहाँ पर आइस गॉड बहुत ज्यादा छोटा हो गया है, मुझे तो दिख भी नहीं रहा वो गया कहाँ पर। टोनी स्टार्क तू कहाँ पर है, इधर हूँ मैं फ्रैंकलिन जल्दी आ। गाइस देखिए यहाँ पर ये रहा आइस गॉड, अरे मैं बर्बाद हो गया। गाइस वो कैसे रो रहा है पीछे, खैर कोई नहीं टोनी स्टार्क अब इससे पहले की कोई और मुसीबत आए इस वर्ल्ड से निकल चलते हैं। बिल्कुल गॉड फादर टाइटन वापस आ रहे हैं। चलो गाइस अब अपनी दुनिया में वापस चलते हैं। मैं और टोनी स्टार्क ने यहाँ पर बहुत ही कमाल तरीके से मिशन कंप्लीट कर दिया, अब जल्दी से इन 2 बचे आइस क्रिस्टल को अपने गॉड फादर टाइटन को दे देते हैं। बिल्कुल सर ये रहे आपके खतरनाक क्रिस्टल, आप जल्दी से इनका इस्तेमाल कीजिए और अपने आपको 5 हेडेड बनाइए। गाइस मुझे तो बहुत मजा आएगा इनको 5 हेडेड होते हुए देखने में। बिल्कुल यार टोनी स्टार्क मैं भी देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर गॉड फादर टाइटन कैसे अपनी फॉर्म को एक्सचेंज करेंगे। बिल्कुल मेरे बच्चों ये देखो मुझे, मैं यहाँ पर 4 हेडेड नहीं 5 हेडेड गॉड फादर टाइटन बन रहा हूँ। वाह गाइस मजा ही आ गया देखकर। और यहाँ पर हमारे गॉड फादर टाइटन की जो लावा बकेट्स थी एंड आइस क्रिस्टल थे वो भी यहाँ पर पूरी तरह से रिस्टोर हो चुके हैं। बिल्कुल मेरे बच्चों तुम लोगों की वजह से मैं यहाँ पर पावरफुल हो गया। गाइस अब तो मैं ये सोच रहा हूँ कि हमें क्या गिफ्ट मिलने वाला है। बिल्कुल बच्चों बिल्कुल यार फ्रैंकलिन मैं भी तो देखना चाहता हूँ कि हमें क्या गिफ्ट मिलेगा। सर अब जल्दी से हमारे गिफ्ट दीजिए। ठीक है मेरे बच्चों मैं तुम्हारे गिफ्ट देता हूँ, ये लो। एक मिनट मुझे, अरे वाह ये क्या गाइस, पहले हमारे पास छोटे सूट थे अभी मेरे पास 5 हेडेड गॉड फादर टाइटन आयरन मैन का सूट है। तेरे पास तो गॉड फादर आयरन मैन का सूट है और मेरे पास इससे भी स्पेशल 5 हेडेड गॉड फादर टाइटन का हल्क वाला जॉइंट फ्रैंकलिन का सूट है। गाइस अगर आपको इस तरह की वीडियो और देखने तो प्लीज कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखिए, बाकी स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहे हैं वो भी देख लो, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच।